हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको नए डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ, जिसको आप अपनी कुर्ती पर, अपने सूट पर, किसी पर भी बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बुकरम के ऊपर गले की कटिंग करते हैं। ये मैंने बुकरम ली हुई है और इसको डबल किया हुआ है। डबल करके इसकी चौड़ाई करीब करीब 5.5 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 10 इंच है। तो सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। इसकी चौड़ाई मैं 3 इंच रखूँगी। अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो आप इसकी चौड़ाई 2.5 इंच रखें। इसके बाद हम एक निशान 3.5 इंच पर लगाएंगे और एक निशान आप उतने इंच पर लगाएं जितने आप आगे के नेक पहनते हैं। तो ये निशान मैं 7.5 इंच पर लगा रही हूँ। अगर आपको ये नेक बड़ा लगता है 7.5 इंच पर, तो इसको आप 7 इंच पर, 6.5 इंच पर, कहीं पर भी आप इसको लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर भी हम 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और इसके बाद इन दोनों निशानों को मिला देंगे। इसके बाद हम सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से को गोलाई देंगे। ऊपर से गोलाई देने के बाद हम यहाँ से करीब 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे और ये जो हमारी लाइन है यहाँ से 1.5 इंच के आसपास या उससे 1 पॉइंट कम हम एक निशान और लगा देंगे और इस निशान को इसमें इस तरह से मिला देंगे। ये निशान मिलाने के बाद हम यहाँ से करीब 1.5 से 2.5 इंच पर बिल्कुल एक सीधी लाइन खींचते हैं और फिर इसको नीचे इस तरह से मिला देंगे। ये निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर जो हमारी ये गोलाई है यहाँ पर करीब 1 इंच पर इस गोलाई पर हम निशान लगाते हैं। ये निशान हमें इस तरह से लगाना है और ये निशान लगाने के बाद हम यहाँ से इस तरह से नीचे तक ऐसे एक निशान लगा देंगे। यहाँ पर इसकी देखिए चौड़ाई करीब करीब 1 इंच है और इसको हम इस तरह से गोलाई में ले देंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम इस पट्टी को अलग कर लेंगे। देखिए हमारा नेक इस तरह से आएगा। इसके बाद हम अपनी कुर्ती का कपड़ा लेते हैं और उसको बीच में से फोल्ड करते हैं और हमारे नेक की ये जो बाहर वाली कटिंग है हम आपस में ये दोनों फोल्ड हिस्से इस तरह से मिलाएंगे, बुकरम का भी और कपड़े का भी, और उसको इस तरह से बिल्कुल सीधा करके रखते हैं और जहाँ पर हमारे बुकरम के कॉर्नर आते हैं वहाँ पर हम इस तरह से एक निशान लगा लेते हैं और इस निशान पर हम एक कट लगा लेंगे। देखिए इसके बाद हमने जो कट लगाए हैं इन कट के ऊपर अपने बुकरम के कॉर्नर रखते हुए हम अपने बुकरम को पेस्ट कर लेते हैं। और अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप इस तरह से रखिए और इसके ऊपर एक रफ सिलाई लगा दीजिए और इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए चारों तरफ से इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम इसको इस तरह से चारों तरफ से फोल्ड करते हुए किनारे से थोड़ा सा हटके इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। चारों तरफ से फोल्ड करने के बाद हम इसको बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं और इसके बीच में हम एक क्रीज बना लेते हैं। बीच में एक कट लगा लेंगे और इस क्रीज के ऊपर हम एक निशान लगा लेंगे।
इसके बाद हम अपनी कुर्ती लेते हैं और उसको सीधी साइड से बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं। उसमें भी हम बीच में एक क्रीज बना लेंगे और यहाँ पर एक कट लगा लेंगे और इस क्रीज के ऊपर भी हम एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम ये दोनों कट एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते हुए सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे और बुकरम के इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह से देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों सिलाई लगा ली है और इसके बाद हम बुकरम के बिल्कुल बराबर में पूरे नेक पर सिलाई लगा देंगे। बुकरम के बराबर में सिलाई लगाने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए कटिंग करने के बाद हमारे जो तीनों कॉर्नर है इनमें हम जरूर कट लगाएंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए इस तरह से, और छोटे छोटे से कट हम पूरे नेक पर लगा देंगे। इसके बाद हम अपने नेक को पलट लेंगे और हमारे जो कॉर्नर है इनको हम इस तरह से सुई से बाहर की साइड निकाल लेंगे और पलटने के बाद हम इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। देखिए इसके बाद हमारे नेक की ये जो पट्टी है इनको हम जिस एंगल से इनकी कटिंग हो रही है बिल्कुल सेम एंगल से अपनी कुर्ती के कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं, और आप इसको मैचिंग के कपड़े के ऊपर भी पेस्ट कर सकते हैं। उल्टी साइड हमें इनको पेस्ट करना है और सेम साइज के हमें दो दो कपड़े के पीस लेने हैं और दोनों कपड़े के सीधे हिस्से हमारे अंदर की तरफ होने चाहिए। देखिए मैंने दो दो पीस रखे हुए हैं और इसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जो हमारी ये वाली साइड है यहाँ से थोड़ा सा नीचे से हम सिलाई लगानी शुरू करेंगे और बुकरम के बिल्कुल बराबर में सिलाई लगाते हुए यहाँ तक लगाएंगे। इसी तरह से इसके ऊपर भी यहाँ तक लगाएंगे। देखिए पट्टी से थोड़ा सा नीचे तक मैंने ही सिलाई लगाई है और इसको हम थोड़ा सा डबल करके छोड़ देंगे। दोनों पट्टियों पर हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है। देखिए सिलाई लगाने के बाद जो हमारी सिलाई वाली साइड है उस साइड हमें थोड़ा कम कपड़ा छोड़ना है, इस तरह से कटिंग करनी है, और दूसरी साइड थोड़ा ज़्यादा कपड़ा छोड़ना है। और जहाँ जहाँ पर हमारी सिलाई है वहाँ मैंने इस तरह से कट लगा लिए हैं। दोनों पट्टियों पर हमें इसी तरह से कटिंग करके ये कट लगा लेने हैं। इसके बाद हम अपनी ये पट्टी सीधी कर लेते हैं और यहाँ से देखिए कॉर्नर हम इस तरह से सुई से बाहर निकाल लेंगे और इसके बाद हम अपनी दोनों पट्टियों के ऊपर प्रेस कर लेंगे सुई से। ये हमारे आराम से कॉर्नर बिल्कुल बाहर निकल जाते हैं। देखिए इसके बाद हम अपनी पट्टियों के किनारे पर जहाँ पर हमारी सिलाई है एक एक सिलाई लगा देंगे दोनों पट्टियों के ऊपर। दोनों पट्टियों के किनारे पर सिलाई लगाने के बाद हम देखिए बुकरम तक इस तरह से अपने कपड़े को फोल्ड करते हैं और इस तरह से अपनी पट्टी के ऊपर निशान लगाते हैं और दोनों पट्टियों पर हम इसी तरह से निशान लगाने हैं। देखिए इसके बाद हमने जो निशान लगाया है बिल्कुल इस निशान के ऊपर हम अपने नेक को इस तरह से रखते हैं और पहले हम इस पट्टी को जोड़ लेते हैं। इस तरह से यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे, यहाँ तक लगाएंगे और फिर सेम तरीके से हम दूसरे वाली पट्टी को भी इसमें जोड़ लेंगे और बाद में हम इस हिस्से पर सिलाई लगाएंगे। फिर हम दूसरी साइड की पट्टी लगा देंगे। देखिए पट्टी जोड़ने के बाद जो हमारे नेक का नीचे वाला हिस्सा है हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे यानी इसके किनारे किनारे पर। तो जो हमारी पट्टी है यहाँ से थोड़ा सा पट्टी के ऊपर से हम सिलाई लगानी शुरू करेंगे इस तरह से।
देखिए इसके बाद हम इस तरह से इसमें मोती लगा सकते हैं। आप ये मोती यहाँ भी लगा सकते हैं नीचे की तरफ। दो मोती मैंने लगा ली हैं और एक मोती मैं आपको लगाना बता रही हूँ, जो हमारा कॉर्नर है इससे थोड़ा सा ऊपर हम सुई निकालते हैं। सुई में हम डबल धागा लेते हैं और बिल्कुल इसी के सामने हम इस तरह से इसको निकालते हैं। इसको हम वापस यहीं पर निकालते हैं, फिर इस तरह से इसमें निकालते हैं और जितनी बार आप चाहें इसको उतनी बार पक्का कर लें और फिर आप इसे उल्टी साइड में धागे को पक्का करके इसकी कटिंग कर दें। ये हमारे गले का फाइनल लुक है और आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बहुत ही स्टाइलिश हमारा नेक डिज़ाइन तैयार हुआ है। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।